नमस्कार पारम भाई, मैं अरुण कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन पिक फार्मिंग जुलना नरकड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों, आज जुलाई के ट्रेनिंग सेशन में हम एक अपने पुराने फार्म भाई के पास आए हैं, जो कि इंडियन पिक फार्म से ट्रेनिंग लेके आज सफलतापूर्वक एक सफल फार्मर की भूमिका अदा कर रहे हैं। आज सन्नी भाई से मिलेंगे। सन्नी भाई ने पिक फार्मिंग के साथ साथ मंगूर पालन भी कर रखा है, फिश फार्मिंग भी करके किस तरह से वो इसको मैनेज करते हैं उसके विषय में बताएंगे। साथ में आज कास्टेशन की क्लास भी हम यहीं पर पूरी ज्वाइन करेंगे। सनी भाई, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, किस तरह का एक्सपीरियंस आपको रहा फार्मिंग में? नमस्कार किसानों भाइयों, भाई फार्मिंग का बहुत अच्छा जो है अनुभव रहा मेरा, क्योंकि अगर मैं कर रहा हूँ तो आज कुछ पाऊँगा, अगर नहीं करूँगा तो क्या पाऊँगा। मेरे साथ मैंने अपने साथ सुअर के साथ अपना मंगूरा का भी काम शुरू कराया, क्योंकि जिस तरह जो मेरा वेस्ट है उसमें स्मेल आती थी। स्मेल आने के बाद लोग भी कहते थे यू के कर लिया स्मेल आ फलाना दिखना। जिस तरह फिर मैंने सोचा भाई कुछ और भी करा जाओ इसके साथ जी, तो किसी फार्मर ने मेरे तो सलाह दी भाई इसके वेस्ट है मंगूर भी पड़ जाएगी जी। तो उस वेस्ट तो मेरी मंगूर भी पड़ रही और मेरा फार्म भी चल रहा। फार्म मेरा बहुत अच्छा चल रहा। मेरे पास 10 फीमेल हैं जो कि सब डिलीवरी आ चुकी है सबकी, और मेरे पास अच्छी 80 बच्चे हो चुके हैं। सन्नी भाई, बहुत से फार्म भाइयों का ये सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि पिग फार्मिंग एक लाभदायक व्यवसाय नहीं है, आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में? सर बात ऐसी है, फार्मिंग, पिग फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा लाभदायक फार्मिंग है जी। अगर आप करोगे तो, अगर नहीं करोगे तो कोई सा काम कर लो किसी में कुछ नहीं है। अगर आप एक बार उन्हें फीड डालकर उनकी तरफ लखाओगे नहीं पूरा दिन तो वो क्या करेंगे जी। जानवर भी ये सोचता है कि भाई मारा जो हमें देख रेख रहे, जो जिसके पास है हम, वो हमको देखे एक दोबारा जी जी। अगर उसकी अच्छे से देख रेख करोगे, उसकी साफ सफाई अच्छे से रखोगे, अच्छे से उसको खाने पीने का दोगे तो वो भी आपकी तरफ जरूर देखेगा एक बार जी जी जी। तो जी ऐसा इसमें कोई नहीं है कि भाई जो है पिग फार्मिंग लॉस में देगा आपने जी, पॉजिटिव रखेगी हर तरीके से। दोस्तों, पिग फार्मिंग एक पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, पिग फार्मिंग एक फुल टाइम बिजनेस है। पूरा बिजनेस का सेटअप अगर आप अच्छी तरह से करोगे, फार्मिंग के लिए टाइम दोगे, अच्छा मैनेजमेंट रखोगे, मेडिसिन की जानकारी रखोगे, समय से वैक्सीनेशन करेंगे, तो पिग फार्मिंग आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी, धोखा नहीं देगी। दोस्तों, आज के जो प्रैक्टिकल सेशन है वो कास्टेशन का रहेगा, साथ में अगर पिगलेट की टीथ कटिंग का हमें मिला तो पिगलेट की टीथ कटिंग का सेशन भी लगाएंगे। आप वीडियो में बने रहें। वीडियो देखने के लिए सभी फार्म भाई को शुक्रिया, नमस्कार। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिकल सेशन रहेगा वो कास्टेशन को लेकर रहेगा, एनिमल को, पिगलेट को आप किस तरह से खस्सी कर सकते हो, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो सभी चीज़ें हमने यहाँ पर ले ली है। खुद फार्म भाई कास्टेशन की प्रक्रिया को समझेंगे, अपने हाथों से प्रैक्टिकली करेंगे, और इस संदर्भ में हर एक चीज़ के विषय में, मेडिसिन हो या आपका सर्जिकल ब्लेड हो या किसी भी चीज़ की जिसकी आवश्यकता पड़ती है, कास्टेशन करते हुए सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से सभी फार्म भाई के साथ बातें साझा करेंगे। आप वीडियो में बने रहे, धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, फार्म भाई कास्टेशन करते हुए आपको बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। पिग फार्मिंग करने की कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई समय नहीं है। ये देखिए, बोरकर साहब खुद अपने हाथों से कास्टेशन विधि को सीख रहे हैं। आप किसी भी उम्र में, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आ सकता है, इस बिजनेस को कर सकता है। ज़रूरत है तो हौसले की, जानकारी की। जितनी अच्छी जानकारी आपके पास होगी उतनी ही अच्छी तरह से आप पिग फार्मिंग को संभाल पाएंगे, चला पाएंगे और एक अच्छा प्रॉफिट इससे ले पाएंगे। आज इनके जी कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं जी, बिल्कुल आराम से हो गया। बिल्कुल, जो भी प्रोसीजर है सारा आपको पता है, किस तरह से क्या क्या किया, फार्म भाइयों कास्टेशन की क्लास पूरी हो चुकी है। और सबसे पहले हम सन्नी भाई से जानना चाहेंगे, उन्होंने हमारे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। सन्नी भाई को अब किसी तरह की परेशानी आती है कास्टेशन करने में या नहीं करने में? सन्नी भाई, पहले आप अपने सुझाव बताइए या अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। फार्मर भाइयों, मैंने भी इंडियन पिग फार्म से ही ट्रेनिंग ली थी सर के पास से ही, जिससे वहाँ मुझे बहुत अच्छा व्यू मिला और बहुत अच्छा सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे वही लोग कह देते हैं भाई वीडियो देख लो या आऊँ दो दिन किसी दौर रहा हो, कोई फ़ायदा नहीं किसी दौर रहने का। नहीं, जो बंदा सही बढ़िया डाल सिखाता हो, जो बढ़िया डाल करके दिखाता हो आपका प्रैक्टिकली भी, हर एक प्रकार का, जो नहीं सोचता हो भाई यू मेरे घर का बंदा है उस तरीके से सिखाता हो तो उस दौरा जाओ। मना भाई कोई समस्या नहीं आई, मना वहाँ तक सीख गया, मना बहुत, अगर मैं नहीं सीखता तो शायद मैं अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेता। कास्टेशन वगैरह आप सारे अपने आप करते हो? हाँ जी बिल्कुल, कास्टेशन वगैरह सब मैं अपने आप करता हूँ, किसी प्रकार की मुझे कोई समस्या नहीं आती जी। धन्यवाद।
अंकित भाई क्या वो पसीना वसीना निकला आज? बिल्कुल बिल्कुल सर, कॉन्स्टेशन करते टाइम बहुत जोर लगा है। बच्चे का भी और हमारा भी, कई बंदों का जोर लगा है इसमें। ये भी देखना, एनिमल को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है सर, इनके तो जी जान पे आ जाती है जब इनके साथ ये काम होता है। कॉन्स्टेशन अच्छी रही आज की, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, सही मजा आया कॉन्स्टेशन में। अब आप आगे से कर पाओगे? हाँ जी बिल्कुल कर पाएंगे। धन्यवाद बोरकर साहब, आप अपने विचार को रुचि रखिए। सर पहले मैं YouTube में देखता था जी, तो ये लगता था कि ये लोग करते कैसे हैं। हाँ सर, जब मैं यहाँ आया और आज मैं अपने हाथों से ये कॉन्स्टेशन का कार्यक्रम किया सर जी, तो हम सब ने किया सर, तो बड़े हर्षोल्लास में, तो सर सब सफल रहे सर। अब हम सब आत्मनिर्भर हो गए सर, अपने हाथों हम ये कॉन्स्टेशन कर सकते हैं सर, अब हमको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार सर हमने इंजेक्शन वगैरह इंजेक्ट वगैरह किया सर, तो हमको उसका आइडिया ही नहीं था, हमने कभी इंजेक्शन भरा ही नहीं था सर, पकड़ा ही नहीं था। अब हमको एक अनुभव आ गया सर, इंजेक्शन को कैसे भरना है, कहाँ लगाना है, कहाँ देना है, कैसे करने के बाद और जो मेडिसिन लगाते हैं जी जी, वो पूरा पूरा आइडिया आ गया सर आपके द्वारा, हमें सब कुछ सिखाया गया दिया गया, और सर उसी आधार हमें हमें अपने हाथों से कार्य करवाया गया सर, तो जिससे हमें एक नई सीख मिली है, हम अपना फॉर्म अपने हाथों कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। फारूक भाइयों, आप YouTube पर वीडियो देखकर भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल सेशन का अनुभव है वो प्रैक्टिकल सेशन से ही मिलेगा। थ्योरेटिकल हमेशा थ्योरेटिकल ही रहेगा, प्रैक्टिकल का मुकाबला किसी भी क्षेत्र में अगर आप जो भी काम अपने हाथ से करेंगे उसका किसी भी तरह से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। और फारूक भाई से भी जानेंगे, सर आप बताइए। सर वही बोरकर साहब ने जो बताया कि पहले देख लेते थे तो उसमें मतलब नॉर्मली वीडियोस को ब्लर कर दिया जाता है, तो पता ही नहीं लगता था कि हो क्या रहा है जी। ठीक है, वो लास्ट में दिखाते थे कि हो गया और ये बार निकला, वो निकाला कैसे, क्या किया क्या नहीं किया, हमें कुछ नहीं पता जी। अब अपने हाथ से कर लिया तो आप कोई टेंशन नहीं है, आप मतलब हमें डॉक्टर नहीं चाहिए जी। सर बहुत ही अच्छा रहा हमारा आज का स्टेशन का दिन जी। जी सर, हमने अपने हाथों से उसके टेस्ट कर निकाले, अच्छे से हुआ, हमने दोनों तरह से हमने सीखे कैसे निकालना है, सिंगल कट लगा के और डबल कट लगा के दोनों तरह से हमने सीखा। मेडिसिन वगैरह का सारा जी सर, सारा इंजेक्शन भी लगाया हमने। अनुभव आपका कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया से हम अपना कर सकते हैं आत्मनिर्भर। सर को दिए, सर हमारे हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, हमारे पास के क्षेत्र के हैं। सर आज का कॉन्स्टेशन का जो काम था ना, बहुत बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं तो सभी फार्मर भाइयों को यही कहूँगा, पहले ना आप काम करने से पहले ट्रेनिंग शुरू करें, कहीं से भी लो आप अच्छी ट्रेनिंग लें, ज्ञान लें, तभी काम शुरू करें। बिना ट्रेनिंग के आप कोई भी काम शुरू करोगे तो फायदेमंद नहीं रहेगा। जो आज हमने सीखा ना, इससे ये लगा कि भाई हम अपने आप कर सकते हैं, और ट्रेनिंग ले गई सारा काम शुरू करना चाहिए। उमेश जी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, और कॉन्स्टेशन वगैरह। हाँ कॉन्स्टेशन बहुत अच्छा हुआ, मेडिसिन वगैरह दोनों तरह से हुआ, जिससे फर्स्ट और सेकंड दोनों, सिंगल कट और डबल कट दोनों, डबल कटिंग दोनों में हुआ। विदेश जाके नौकरी करके कमाने में ज्यादा सही है या अपना खुद का बिजनेस करने में फायदा लग रहा है? खुद का बिजनेस करने में बेस्ट रहेगा। बाहर क्या समस्या आती है जो हमारे में? सर बहुत समस्या, भाई लोग चले जाते हैं, बहुत समस्या आती है, वहाँ जो रहते हैं वही सर जानते हैं। अच्छा क्या कहूँ, इससे बढ़िया अपना खुद का बिजनेस। हाँ सर खुद का बिजनेस करिए, अच्छा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। दोस्तों अभी सन्नी भाई ने पीछे अपने मछली पालन भी कर रखा है, इसी के सूअर का जो खाना है उसका जो मल मूत्र आता है, उसका जो वेस्ट आता है, उससे मछलियों को किस प्रकार से पाला जाता है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी भाई से साझा करेंगे, पता करेंगे किस तरह से कैसे क्या होता है। तो चलिए सीधा चलते हैं मछली पालन की तरफ। दोस्तों सन्नी भाई के जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पे पौंड आ गए, आप यहाँ पे दो पौंड देख पा रहे होंगे, एक साफ पानी का पौंड है और एक जिसमें आपके पिग फार्मिंग का वेस्ट आता है वो पौंड है। मछलियों को क्या खिलाया जाता है, किस तरह से उनका पालन होता है, सन्नी भाई से थोड़ा इसके बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। सन्नी भाई बताइए मछलियों की सबसे पहले तो प्रजाति बताइए, कौन सी प्रजाति है? ये अपनी है जी मंगूर। जी मंगूर है जो गंदे पानी में ही पड़ती है जी, जो गंदे पानी के लिए बने, ये अगर घर में भी हो तो दो तीन दिन तो घर में भी जी जाती है। अच्छा हाँ। जो इनका वेस्ट आता है उसी को खा के जी जाती है? उसी का जो अंदर का वेस्ट अपने फीड मल मूत्र है उससे ही ये इनका पालन पोषण हो रहा है जी। ये इस तरह का मछलियों का फीड होता है जो एनिमल खाता है वही फीड है ये, इसको भी डाल के मछलियों को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मछलियाँ भी दिखाएंगे और किस तरह से एनिमल रिएक्ट करता है आपका दाना डलने के बाद या फीड डलने के बाद, जाली में एनिमल को निकाल के भी दिखाएंगे जो हमारी फिश वगैरह होती है, आप वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।
लेके आइयो भाई, कैमरा लेके और निकाल दो तक। ये देखिए दोस्तों, इधर कैमरे की तरफ दिखाइए ज़रा मछली को, इधर करके। ये मंगूर मछली है, आप देख पा रहे हो। ये जो पिग फीड खाता है उसके वेस्ट पर ही उसको खा के जिंदा रहती है और अपना वजन बढ़ाती है। छोड़ दीजिए, पिग के साथ अगर आप मछली पालन भी करता है तो इसी के वेस्ट को खा के ये जिंदा रहती है, अपना वजन बढ़ाती है। आपको पिग फार्मिंग के साथ साथ एक और व्यवसाय मिल जाता है, इसको बेच के आप पिग फार्मिंग में जो फीड की कॉस्ट आती है उसमें भी काफ़ी कमी ला सकते हैं। तो पिग फार्मिंग के साथ साथ आप मंगूर पालन भी कर सकते हैं। इसके विषय में अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझसे फ़ोन पर ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटे के बटन को दबा लें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक सभी फार्म भाई को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।